सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म मितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म मितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी के चरण में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। गत कल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्तियों को जीवन में सद्गुरु प्राप्त होता है और ये भगवत इच्छा से ही जीव को सद्गुरु तक जीव को प्राप्त होती है। अभी सद्गुरु मिले गुरुदेव अभी हमें जो मंत्र प्रदान किया वो मंत्र नहीं वो बीज है। उदाहरण दिया हमारा हृदय वो एक खेती है और गुरु जी ने जो मंत्र दिया वो एक बीज है। अभी हम कौन हो गए? हम हो गए माली। अभी माली का क्या कर्तव्य है? उसको पानी दे, उसको पानी दे है? इसलिए पानी देनी चाहिए। कभी दो तरह का वृक्ष होता है, जैसे पहले जब कोई वृक्ष हो उसमें पानी देना पड़ेगा, अगर पानी नहीं दोगे फिर क्या होगा वो वृक्ष सूख जाएगी, वो लता सूख जाएगी। लेकिन ऐसे कुछ वृक्ष है वो बढ़ते 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 इतना नीचे तक चला जाता है, कभी कभी वो नीचे से ही अपने आप पानी को लेने लग जाता है। फिर जब वृक्ष बड़ा हो जाए ना फिर तो उसको पानी की जरूरत नहीं, वो अपनी आप अंदर से ही क्या करता है वो पानी को ले लेता है। तो उसी तरह जब हम पहले जब तक हमारी भक्ति दृढ़ नहीं हो जाए, एक दिन परिपक्व नहीं हो जाए, बोले कहाँ तक, बोले जब तक भाव दशा तक प्राप्त नहीं करना है। भाव दशा बहुत ऊंची स्थिति है। भाव दशा उसको कहते हैं अगर हमारे हृदय में भाव दशा आए उसका नौ लक्षण दिखाई दे, बोले क्या है, बोले शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तत् गुणाख्याने प्रीति तद बसत स्थले है। तो ये नौ लक्षण दिखने चाहिए। अगर खुद खुद सोच ले नहीं हम तब हमारे हृदय भाव अवस्था आ गया, नहीं उसका अंदर में नौ लक्षण होनी चाहिए तब इसको भाव समझनी चाहिए। हम साधारण किस व्यक्ति की थोड़ी सी आंखों में आंसू आ जाए, थोड़ी सी इधर उधर, अरे बड़ा भाव है, नहीं भाव इतना सरल वस्तु नहीं है, वो इतने सरल वस्तु नहीं। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताए जब ये नौ लक्षण तुम्हारे अंदर में आएगा हाँ उस समय क्या होगा, कभी कभी कृष्ण की बंसुरी की आवाज़ सुनने को मिलेगी, कभी कभी उसको ऐसे लगेगा ठाकुर जी की चरण की नुपुर की छमछम छमछम आवाज आ रहा है, उसको कभी ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी हमारे शरीर को स्पर्श कर रहे, उसका शरीर रोमांच हो जाएगा, आंखों से आंसू बहने लग जाएगी। कभी कभी उसको ऐसे लगेगी जैसे ठाकुर जी साक्षात सामने प्रकट हो गई, इतनी प्रभु का प्रकाश है, आंख चकाचौंध हो जाता है। कभी कभी उसको ऐसे लगता है जैसे ठाकुर जी आए और हमें अधरा मृत पिला करके चले गए, अपना होठ को चाटने लग जाएगी कभी कभी है। इसलिए इस सब लक्षण है भावावस्था में ये, और ये जो नौ लक्षण है पहला लक्षण है शांति। शांति मतलब होता है भले ही जीवन में जितनी बड़ी विपद क्यों नहीं आ जाए प्रभु का भक्ति कभी नहीं छोड़े। जैसे युधिष्ठिर महाराज है ना, युधिष्ठिर मतलब क्या, युद्ध अवस्था में भी जिसका बुद्धि स्थिर रहता है, उसी समय भी जिसका बुद्धि स्थिर रहता है भले ही जीवन में जितना विपत्ति आ जाए। भरी सभा में द्रौपदी की विवस्त्र हो रहा है, ऐसे हो सकता है पति पांच पांच पति यहाँ पर बैठे हुए और भीम सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी, युधिष्ठिर महाराज भाला युद्ध में सर्वश्रेष्ठ तलवार युद्ध में नकुल सहदेव,
जिनके पांच पांच पति पृथ्वी के सबसे बड़े बड़े जो था, और उनको सामने द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रहे हैं। कभी पति सहन कर सकता है ये चीज को? नहीं कर सकता है। भीमसेन का भुजा फड़क रहा था, है अर्जुन का भुजा फड़क रहा था, अभी फाड़ दो इनको। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को भगवान के प्रति इतने विश्वास है, इतना विश्वास है, बोले नहीं जरूर कृष्ण हमें रखें, क्यों हम ठाकुर की शरण में आए, ठाकुर जी की शरण में हम आए हैं। भगवान शरणागत वत्सल है, भगवान शरणागत व्यक्ति को रख्या करते हैं। और द्रौपदी को तो कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, द्रौपदी जी को हमसे ज्यादा प्रेम उसको द्रौपदी को करते हैं, इसलिए कृष्ण उनको अपना सखी बोल करके संबोधन करते हैं, जरूर कृष्ण रक्षा करेंगे। इधर वस्त्र पकड़ करके उसको खींचते खींचते ले आए, वस्त्र को खींच रहे हैं, तब भी युधिष्ठिर महाराज को पूर्ण विश्वास है कृष्ण हमारी हैं जरूर रक्षा करेंगे। कृष्ण रक्षा किया है, कृष्ण वस्त्र रूप में प्रकट हो गए कृष्ण हैं, इसलिए 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया, लेकिन 10,000 साड़ी खत्म हो गई। दुनिया देख रहे थे साड़ी में बनी हुई कोई नारी है, नारी बीच कोई साड़ी है। इसलिए बोले शांति, शांति मतलब होता है जितने भले ही जीवन में विपत्ति अवस्था आ जाए, जैसे तेरे हरिदास ठाकुर हुए हैं, हरिदास ठाकुर हुए, उसको 22 बाजार में उसको पिटाई कर लिया, सारे चबड़ा उतर गया, लेकिन जितना जोर से मार रहे थे ना, वो उतना जोर जोर से बोल रहा था हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, उतना जोर जोर से बोल रहा था। लेकिन हम लोग अगर थोड़ी सी विपत्ति आ जाए ना, भले ही कोई चीज को छोड़े नहीं छोड़े, पहले माला ही छोड़ दें, हैं? पर इतना भगवान की भक्ति की, भजन किया, ठाकुर हमारे साथ में से व्यवहार किया, हैं? खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, बोलना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, क्या छोड़ देंगे पहले? माला भजन ही छोड़ने के लिए तैयार बैठे। इसलिए एक छात्र मतलब जितने विपत्ति अवस्था में भी वो भगवत भजन को कभी नहीं छोड़ेंगे। दूसरा लक्षण मतलब अव्यर्थ कालतम, वो कभी समय को बर्बाद नहीं करेगा, कभी समय को बर्बाद नहीं करेगा, हर समय भगवान के नाम जप करेगा, भगवान का कीर्तन करेगा, भगवान की स्मरण करेगा। अगर दुनिया की बात लोग आकर के उसको बेटी ऐसे कर रहे हैं, उसको बहू ऐसे कर रहे हैं, दुनिया की बात करेंगे ना, उसको अच्छी नहीं लगेगी, बोले क्या काम ने फंस गया है, कहाँ ही फंस गया। लेकिन जब भगवान की कथा होगा उसको बड़ा शांति मिलता है, उसको बड़ा आनंद, उसको बड़ा शांति मिलता है, तो वह भगवत कथा ही उसको जीवन का सार हो जाता है, इसलिए समय को कभी वो बर्बाद नहीं करेगा। इसलिए बोले शांति अब है संख्या पूर्वक नाम गान नहीं भी, अपना संख्या पूर्वक नाम करेगा, उनका नाम गान करेगा, उनका कीर्तन करेगा, उनका जय ध्वनि देगा, हर समय उनकी कथा ही उन्हें अच्छी लगती है। इसलिए अव्यर्थ काल तुम विरक्ति, विरक्ति मतलब भगवान के भक्ति से जो प्रतिकूल वस्तु है, जिसमें गुरु जी संतुष्ट नहीं, वैष्णव संतुष्ट नहीं, जिसमें ठाकुर संतुष्ट नहीं, वो चीज़ उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो चीज़ में उसको विरक्ति लग गया, ऐसी दुनिया का क्या है सब बेकार चीज़ है, कहाँ से आ गया है। इसलिए विरक्ति बोले मान शून्यता, मतलब उसकी हृदय में कभी इच्छा नहीं रहेगा अरे सारा दुनिया हमारी जय जयकार करे, हैं, सब हमारी प्रशंसा करे, नहीं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं सबको यथाजोग्य सम्मान सबको दो, क्यों? जीवेर सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान, सब जीव के हृदय में भगवान का निवास है, ठाकुर का निवास, इसलिए सबको सम्मान देनी चाहिए। लेकिन कभी स्वयं सम्मान की भूखे मत बनो, लेकिन सबको सम्मान दो। इसलिए विरक्ति मान सुन्नता, इसलिए वो कभी मान की इच्छा नहीं करता। लेकिन आप देखना सारा दुनिया में, दुनिया ऐसे एक चीज है ना, अगर किसी को थोड़ी सी सम्मान नहीं मिला तो बढ़ जाए, हाँ हमको सम्मान नहीं दिया, हमारा इज्जत नहीं किया, हमारा कोई इज्जत नहीं, हमारा कोई प्रशंसा नहीं, हम कुछ है ही नहीं,
सारा दुनिया ऐसे गति नहीं, जो भक्ति करता है ना वो भक्ति में इतने आनंद है, भक्ति में उसको इतना रस मिलता है, इतने रस मिलता है भक्ति में आनंद में, उसी में ही सराबर रहता है। जैसे माधवेंद्रपुरी भगवान उनके लिए खीर चोरी की, जब उनको पुजारी ने ला करके दिया खीर, तो उन्होंने रातों रात वहां से भाग गई। बोले क्यों भाग गई? बोले सवेरे होते ही पुजारी बोलेगा एक साधु आया था, ठाकुर जी उनके लिए खीर चोरी किया है, और हमने ठाकुर मेरे को स्वप्न दे करके बोले उनको खीर दे करके आओ, फिर क्या होगा? सारे लोग इकट्ठे हो जाएगा, अरे भगवान इनके लिए खीर चोरी की, ऐसे संत चलो दर्शन करने के लिए चलते हैं, सारा दुनिया दर्शन के लिए आएंगे, फिर क्या होगा? हमारा भजन में बाधा होगी, हमारा भजन में बाधा होगी। चलो रात रात वहां से भाग करके चले। अगर लेकिन हम साधारण लोग होता तो अरे हमारा मेरे नाम पर ठाकुर जी खीर चोरी किया है, सारा दुनिया आए हमारा जय जयकार करे पूजा करे, बिल्कुल चले गए। क्यों? ये प्रतिष्ठा ऐसे भी चीज है ना, ये प्रतिष्ठा ऐसे भी चीज है, हाँ सबसे बड़ा हाँ जो जीव का हृदय भी प्रतिष्ठा की वासना नहीं जाती, लेकिन वो चले गए। क्यों चले गए? कारण है वो प्रभु की भक्ति में इतने मस्त है, प्रभु की भजन में इतने आनंद है, कहते करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके भी कृष्ण भक्ति रस को सामने करोड़ों ब्रह्मानंद मिलकर के भी एक बूंद नहीं बन सकता है। भगवान के दर्शन में भगवान की भक्ति में इतने मस्ती इतने आनंद उसमें इतने आनंद उसको मिलता है, है? इसलिए ये दुनियादारी कोई मेरे को प्रतिष्ठा करे मेरी इज्जत उस हृदय में रहती नहीं, वो स्वयं आनंद में डूबे हुए हैं प्रभु। लेकिन जिनको अभी प्रभु की भक्ति प्राप्त नहीं हुई वो चाहता है अरे ये हमें बड़ाई करे, ये हमें प्रशंसा करे, ये हमारा नाम करे, है ये हमारे नाम करे, तभी इसके हृदय में ये चीज आती है, है? इसलिए मान सुन्नता और आशा बंध भले आशा बंध मतलब क्या है, उसके हृदय में पूर्ण विश्वास रहता है एक दिन भगवान हमें मिलेंगे ही, जरूर मिलेंगे। कभी कभी होता है ना, कभी कभी भजन करते करते माला छोड़ते हैं, अभी तक माला भगवान मिले तो तुमने भजन नहीं किया ठीक ठीक से, अगर ठीक ठीक से भजन करते हैं ना भगवान जरूर उसको मिलेंगे। इसलिए भाव को बताया जैसे फूल होने से पहले देना पेड़ में कली आ जाती है ना, वो कली को देख कर पता चल जाता है ये फूल होने वाले हैं, वो जो भाव ये कली अवस्था है उसको उसी अवस्था में उसको पूर्ण विश्वास रहता है एक दिन जरूर हमें भगवान मिलेंगे ही। सारा दुनिया भले ही अपना बिजनेस फेल हो जाए लेकिन भक्ति का बिजनेस कभी फेल नहीं होता है, इसलिए उसको पूर्ण विश्वास रहता है भगवान हमें मिलेंगे। बोले समुद्कंठा मतलब है हर समय भक्तों के अंदर में एक भावना की बात ये है, उत्कंठ हर समय बनी रहती है, कब भगवान मिलेंगे कब भगवान मिलेंगे, वो कभी निरुत्साहित नहीं होते हैं। क्योंकि होता है ना भजन करते करते यार इतना दिन हो गया कुछ हुए ही नहीं, माला छूट जाती है, भजन छूट जाती है, उसको साधन भजन नहीं, जो भक्त है ना हर समय उनके अंदर में उत्कंठा देखते रहोगे, है भगवान के नाम में कीर्तन में भजन में भक्ति में हर समय उसकी उत्कंठा बनी रहती है। समय उत्कंठा बोले नाम गाने सदा रुचि, उसको भगवान के कीर्तन में भजन में कथा में बड़ी अच्छी है, उसको आपकी बड़ी रुचि बनी रहती है, हर समय उसको रुचि रहती है, कब भगवान की कथा सुनने के लिए जाएंगे, कब ठाकुर का कीर्तन होगा, कहाँ सत्संग में जाएंगे, भाग बड़ा उसमें रुचि रहती है। इसलिए नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तत्व गुणाने, भगवान की अगर कथा होना उसका उस बड़ा आसक्ति रहता है। इसलिए पृथ्वी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हुए प्रभु तुमने दो ही कान क्यों दे दिया, हमें 1,000-10,000 कान दे दो, है 10,000 कान दो, दो कान में तुम्हारी कथा सुनकर के मुझे आनंद नहीं आ रहा है, जब 10,000 कान दे दोगे फिर तो तुम्हारी कथा सुनकर के हमें आनंद मिलेगा, है इसलिए हर समय उसकी रुचि है कथा सुनने की रुचि रहती है। और पृथ्वी तक बसत स्थल जहाँ पर भगवान का धाम है, जैसे नवद्वीप धाम, जगन्नाथपुरी धाम, अयोध्या धाम, जैसे मथुरा धाम, वृंदावन धाम,
नवद्वीप धाम है हर समय, कब समय आएगा कि वहाँ भगवान के धाम में जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, लीला स्थलियों को दर्शन करेंगे, महाप्रभु धाम में जाएंगे, उनको लीला स्थलियों को दर्शन करेंगे, जगन्नाथ पुरी जाएंगी, उसकी मन में उत्कंठा बनी रहती है तब हम धाम में ठाकुर जी का धाम में जाएंगे। लेकिन साधारण लोगों का क्या उत्कंठा, तब अपना गाँव में जाए, अपना परिवार से मिल करके आए, अपना बेटी से मिल करके आए, और अपना बेटा से कब मिल करके आए, अपना दुनियादारी से कब जाए, भले धाम में नहीं जाए उसमें रुचि रहता है दुनियादारी लोग से मिलने के लिए, लेकिन नहीं, जब भक्ति आई है ना कि दुनिया से क्या मिलना है, क्या इनको देखना है, दुनिया की बात करेंगे, अच्छा बात है हम भगवान की धाम में जाए, प्रभु लीला स्थली उनको दर्शन करें। हाँ, ये सब चीज़ जिनके अंदर में हृदय में उत्कंठा बनी रहती है, इसलिए कहते जो दूसरी जो एक वृक्ष है वो इतने नीचे तक चली जाती है, वो अपने आप पानी को अपने आप ले लेता है, अपने आप पानी लेता है, लेकिन जब पौधा पुष्ट नहीं हो, सही सही नहीं हो, फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें पानी में डालना पड़ेगी, पानी करना पड़ेगा, नहीं तो लता सूख जाएगी, सूख जाएगी। इसका मतलब साधु संग से हरि कथा कीर्तन भजन हर समय हमें लगे रहनी चाहिए, लगे रहनी चाहिए, है इसे जब तक वो स्थिति नहीं आती है ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो नाम में थोड़ा रुचि धीरे धीरे कम हो जाए, साधु संग नहीं करेंगे तो हरि नाम अच्छा नहीं लगेगी, फिर तिलक करने की इच्छा नहीं करेगी, है ठाकुर की सेवा पूजा करने की इच्छा नहीं करेगी, इसलिए क्या करनी चाहिए, साधु संग में करनी चाहिए, पानी को श्रवण कीर्तन क्योंकि पानी को सिंचन करते रहो, लेकिन जब पानी सिंचन करोगे फिर क्या होगा, पहले वो एक अंकुर आएगा, पहले एक अंकुर से फिर उसमें दो पत्ते निकलेंगे, हाँ दो पत्ते निकलेगा, फिर धीरे 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 उसमें टहनी आएगी, फिर वो लता बढ़ते बढ़ते बढ़ेगी, लता बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगी, लता लता धीरे 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 के भूर भुव मोह जन तप सत्य लोको तक ये पार पार करते करते करती जाएगी, है ये लता बढ़ते 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 क्या करेगी, फिर ये ब्रह्मांड का उस पार में जाएगी, है ब्रह्मांड का फिर विरजा नदी को पार करेगा, है फिर उसको धीरे 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 विरजा नदी को पार करते हुए धीरे 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 बढ़ती जाएगी। बोले इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या, वो लता बढ़ रही, मतलब है जैसे हमें जो गुरु जी के मंत्र मिला वो गोपाल मंत्र, कौन सा मंत्र, गोपाल मंत्र, और हमारा जो मंत्र है ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हमें गुरु जी से ये मंत्र मिला, बोले हरे मतलब क्या, बोले राधा, बोले कृष्ण मतलब कृष्ण राधा कृष्ण, मंत्र मिला और हमें गोपाल मंत्र मिला, बोले गोपाल मंत्र है क्या चीज, बोले उसमें तीन नाम है कृष्णा गोविंद और गोपी जन वल्लभ, तीन उसमें तीन नाम है, गोपी जन मतलब गोविंद मतलब होता है, कृष्ण मतलब होता है जिनको साथ में हमारे संबंध है, गोविंद देव मतलब जो अभिधेय है, हाँ हमारे जो साधन, बोले गोपी जन वल्लभ मतलब हम जो साधन कर रहे हैं, हम किस चीज को पाने के लिए साधन कर रहे हैं, हम साधारण चीज पाने के लिए नहीं, हम श्री गोपी जन वल्लभ मतलब जो गोपियों का जो वल्लभ है, जिसे मतलब गोपियों गोपियाँ जैसे कृष्ण को प्रेम करती हैं, हमें वह प्रेम हमें चाहिए, हमें और कोई, हमें वैकुंठ प्रेम नहीं चाहिए, हमें अयोध्या प्रेम नहीं चाहिए, हमें मथुरा प्रेम नहीं चाहिए, द्वारका प्रेम नहीं चाहिए, हमें तो वृंदावन का जो कृष्ण है जिसको गोपियाँ सुंदर रत्न सिंहासन के ऊपर में कहते ना, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर जीवनी मरणी मती हार नाही मोरा, कालिंदी रघोले लेली कदमे रवाना रतना बेदीरा हमें ये प्रेम चाहिए, कब ऐसा नहीं हो जहाँ पर गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष नीचे
जहां पर रत्न सिंहासन है, तब ऐसी न्यायिका जो राधा कृष्ण दोनों को वहां बैठाएंगे, अपना हाथों से सुंदर श्रृंगार करेंगे, उनको सुंदर मालती की माला बना करके गले में पहनाएंगे, हैं उनको हम पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञा करियो सेवा चरणार विंद, ललिता विशाखी अनुगत्य में जुगल सरकार की हम सेवा करेंगे, हमारी ये भावना है, हमारी ये भावना है। भावना होने का नाते अभी वो लता जब बढ़ती है, लता मतलब ये भाव है, लता मतलब हमारा भाव, ये भाव बढ़ते 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 इसका स्थान ये ब्रह्मांड को भेद करता, मतलब ब्रह्मांड को भेद करता मतलब ये ब्रह्मांड में वो भाव है नहीं। स्वर्ग में तो भोगना भाव मोह जन तप वो जो लोग है वो लोग में ये राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति नहीं है, हैं कोई ज्ञानी कोई योगी कोई भोगी ऐसे ऐसे है, इसलिए गति करते 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 ये बिरा जाना जी बिरजा जानती हो, ये ब्रह्मांड को ऊपर में जो नदी है गति है बिरजा नदी है, जिसमें सत्व रज और तम हैं ये तीन गुण, तभी उसको ऊपर में आप जा सकते हो कि जो दुनिया जो तीन गुण में आबद है, कहीं सत्व गुण में कहीं रज गुण में कहीं तम गुण, ये तीन गुण में दुनिया इसलिए नहीं पड़े हुए हैं, अब देखना इसको अंदर में तीनों गुण में कोई ना कोई गुण होता है, लेकिन भगवान की भक्ति निर्गुण है, ये तीन गुण से अतीत है, इसलिए बिरजा नदी को जब पार करता है वो पूरा धो करके साफ करके, जब तक आप ये तीन गुण से निर्मल नहीं हो जाते हो तब तक ये नदी को तुम पार नहीं कर सकते हो, जब पार हो गया मतलब तुमको पूरा अच्छे तरह से तुमको धो धा करके साफ सुथरा करके तुमको उसको ऊपर में ले गया, अब ले करके पहले क्या आएगा बोले ब्रह्म लोग आएगा, पहले कौन सा लोग आएगा उसको ऊपर में ब्रह्म लोग, क्योंकि ये ब्रह्म लोग को क्या चीज है, वो लता सबको पार करते जा रहे, मतलब हमारा भाव पार ब्रह्म लोग है जो भगवान को निराकार निर्विशेष एक ज्योति रूप मानते हैं, हैं और उनका जो भावना है जब तक ये संसार में आएंगे जन्म मृत्यु का चक्कर में पड़े रहेंगे, इसलिए क्या करो वो ब्रह्म में ही अपना सत्ता को लेकर उसमें लीन कर दो, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि मतलब हम वही ब्रह्म ही, तत्वमसि तुम वही हो, सर्वम खल इदम ब्रह्म, दुनिया में जो कुछ देखो सब ब्रह्म ही है, इसलिए उनका जो ये है उनका भावना, इसलिए वो धीरे 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 क्या होता है, लेकिन हमारी जो भावना ये कृष्ण प्रेम भक्ति रस है, हैं इसलिए इसका भावना वहां पर नहीं टिकता है, उसको भी ये भाव उसको भी पार कर लेता है, ब्रह्म लोक को भी ये लता उसको भी पार कर लेता है, फिर पार करे कहाँ पर बैठेगा, फिर कैलाश लोक है, उसको ऊपर में कैलाश लोक है, फिर जाकर कैलाश लोक में जाता है, लेकिन हमारे भक्ति राधा कृष्ण भक्ति इसलिए वो उसको भी पार करता है, पार करते करते फिर कहाँ जाता, फिर वो अयोध्या जाए, कहते अयोध्या में जो भक्ति है वहां पर तो भक्ति है, हम राम का भी भक्त है, लेकिन होने पर भी हमारी जो भावना है राधा कृष्ण को है भक्ति करना, गोपियों की अनुगत्य में राधा रानी के अनुगत्य में, कहते वो चीज वहां पर नहीं, वहां पर है जो रस है ढाई रस है, भगवान राम के अंदर में वो ढाई रस है, इसलिए उसमें सख्य रस है वात्सल्य रस है मधुर रस है, लेकिन होने पर भी लेकिन वो गौरव है, मतलब भगवान को अपना पूज्य मानते हैं आराध्य मानते हैं, वहाँ पर पूर्ण वात्सल्य नहीं शुद्ध वात्सल्य नहीं शुद्ध वहाँ सख्य नहीं शुद्ध श्रृंगार, इसलिए उसको पार कर लेता है, पार कर फिर कहाँ जाता है, फिर द्वारका भी जाता है, लेकिन वहां पर भी द्वारका में भगवान को ऐश्वर्य बुद्धि में वहां भी भगवान की उपासना होती है, कृष्ण को सब द्वारका जैसे मानते हैं विश्व ब्रह्मांड का मालिक, लेकिन हम लोग हमारा भावना किया ब्रज भक्ति से भक्ति करना, इसलिए वहां पर भी वो लता नहीं होता है, फिर धीरे धीरे उसको क्रश करते करते फिर पहुँचता है कहाँ पर मथुरा, मथुरा में भी है वहां पर भी उनको जितने भक्त लोग है सबके सब कृष्ण को भगवान मान करके पूजा करते हैं, जितने भी उनकी उद्धव उनका सखा है उनको माता देवकी वसुदेव पिता माता उनकी महिषियाँ वहाँ पर है,
लेकिन उनका जीव वो पूर्ण शुद्ध रूप में उनकी श्रृंगार भाव की वात्सल्य भावना है, इसलिए उनको ऐश्वर्य मिश्रित है। इसलिए कृष्ण अगर थोड़ी किसी को डांट देना उधर जाते हैं, और कृष्ण का सारे आदेश को पालन करते हैं, इसलिए वो भावना बैठते बैठते कहाँ तक चली जाती है, वो गोलोक वृंदावन में पहुँचती है। गोलोक वृंदावन में जाकर क्या करता है, फिर राधा कृष्ण का जो चरण को वो आश्रय ग्रहण करता है, क्योंकि हम जो मंत्र है वो गोपी जन वल्लभ है, गोपियों की भावना जैसे हमें चाहिए वो केवल श्री वृंदावन में ही। इसलिए गुरुदेव कहते हैं वृंदावन में भी उसमें वहाँ पर भी तीन शाखाएँ हैं, एक सत्य रस का और एक वात्सल्य रस का और एक श्रृंगार रस का, वहाँ पर भी तीन शाखाएँ हैं, लेकिन दो शाखा को ऊपर काट देते हैं, एक सत्य और एक वात्सल्य, ये दो शाखा को वहाँ से निकाल देती हैं। बोले क्यों, हम गोपियों की भाव जैसे हमें चाहिए, फिर तो जा करके केवल राधा रानी की अनुरक्त में वहाँ पर भी तीन तरह का सखियाँ हैं, एक स्वपक्ष, एक विपक्ष और एक तटस्था। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? इसलिए सब स्वपक्ष मतलब है जो केवल राधा रानी की सुख में सुखी है, तटस्थ मतलब है जो राधा रानी को भी प्रेम करते हैं, कृष्ण को भी प्रेम करते हैं। बोले ये कौन है, बोले ललिता विशाखा आदि सखियाँ हैं, जैसे भी दोनों को प्रेम करते हैं, लेकिन राधा रानी के प्रति थोड़ी सी ज्यादा झूठ हुआ, लेकिन कुछ सखियाँ हैं जो विपक्ष वो केवल कृष्ण को ही प्रेम करते, राधा रानी को प्रेम नहीं करते। कृष्ण का सुख में सुखी है, कृष्ण का सुख में सुखी और राधा रानी के सुख में दुखी होती है, लेकिन हमारी भावना कौन है, राधा रानी की अनुगत में, क्योंकि जो राधा जी की अनुगत में जिनको मंजरी कहते हैं वो केवल राधा जी की सुख में सुखी और राधा जी की दुख में दुखी है। इसलिए हम सबके सबसे राधा रानी की अनुगत्य में हम सबके सब युगल सरकार की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, फिर तो केवल एक ही लता रह जाती है, वो जाकर के राधा कृष्ण को चरण को आश्रय ग्रहण करता है, करते हुए वहाँ पर साधक तो यहीं पर बैठा है, यहीं पर बैठा है, साधन यही कर रहा है, पानी देते रहता है वो वृक्ष में, लेकिन वो लता बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँच गया, गोलोक वृंदावन। ये लता मतलब क्या, बोले भाव, लता मतलब हमारी भावना है, कि बढ़ते 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 वहाँ तक हमारी भावना पहुँची गई है, तो उसमें सुंदर सुंदर फल आएगा, और जिस फल में दुखी भी नहीं, जिसमें कोई चिंता भी नहीं, जिसमें केवल रसी रस है, जिसमें केवल रसी रस है, बात फिर बैठ करके फिर तो खाते रहो, फिर तो वो रस को पान करते रहो, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी भी हो जाती है। बोले गड़बड़ी क्या है, जैसे बीज बोगे, जब देखना जब उसमें थोड़ी सी पेड़ बड़ा होना, फिर बकरी और गैया कभी आ करके ना उसको खा जाते हैं, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तुम्हें बाढ़ है, तुमको चाहिए उसमें क्या बोलते हो, प्राचीन बाढ़ देना पड़ता है, बाढ़ देना पड़ता है, इसलिए तब यहाँ कहते हैं, बोले भैया ये बकरी गैया आकर के लता को खा जाएगी, इसका मतलब क्या है, बोले इसका मतलब है जब हम साधन करते हैं हमें बड़े सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, उसमें वैष्णव अपराध नहीं होनी चाहिए, है ये सबसे ज़्यादा खतरा बताया, ये वैष्णव अपराध, किसी साधु की चरण में अपराध तो नहीं होनी चाहिए, अगर साधु की चरण में अपराध अगर हो गया, उसके लिए उदाहरण दिया जैसे तुम्हारी एक बाघ है, बाघ है, अगर उसमें अगर के मत वाला हाथी अगर उसमें प्रवेश कर गया, वो क्या करेगा, सारे सूर में ना सारे सूर में पकड़ करके पूरा जड़ समेत उसको वो उखाड़ लेती है, जैसे कोई पेड़ है ऊपर से टहनियाँ काट दो फिर उसमें शाखा निकल सकती है, लेकिन अगर जड़ से अगर उसको उखाड़ दिया फिर क्या हो, फिर तो वो पेड़ होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए यहाँ पर सावधान करते हैं,
हमें कभी किसी साधु का निंदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो साधु निंदा बोले पांच तरह का होता है, बोले हंती निंदंती वैदृष्टि वैष्णवा नाम जो अभिनिंदती क्रुद्धते जाति न हर्ष दर्शनी पतनान सा। बोले ये छह व्यक्तियों का पतन होता है। बोले कैसे? बोले जो साधुओं को जो हत्या कर देता है हंती, दूसरा जो साधुओं को जो निंदा करता है निंदती, वैदृष्टि जो साधुओं को विद्वेष करता है, वैष्णवा नाम जो अभिनिंदती कोई वैष्णव आए हम उनको अभिनंदन नहीं किया स्वागत नहीं किया। बोले जाति न हर्षा किसी साधु आए देख करके हम खुशी नहीं हुए हम दुखी हो गए हाँ होगा कुछ लेने के लिए आए इधर आज देख करके इधर पर मुंह घुमा दिए हैं इसलिए शायद कुछ लेने के लिए आ गए होंगे लेकिन हम ये नहीं सोचते कुछ देने के लिए हमें आए हैं। इसलिए तभी ये छह तरह से ये वैष्णव अपराध होता है। इसलिए वो सावधान करते हैं महाप्रभु कभी किसी वैष्णव का निंदा मत करो सुना भी नहीं और निंदा करना भी नहीं साधुओं को। अगर कहीं होता है ना कान में अंगुल डाल करके वहां से चले जाओ नहीं तो सवस्त्र में जा करके गंगा में जा करके स्नान करो स्नान करो। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब प्रेम दे रहे थे सारे भक्तों को प्रेम दे रहे महाप्रभु विष्णु की खटिया पर बैठे हुए सारे भक्तों को बुला बुला भक्त लोग घर के बाहर खड़े हुए और एक एक भक्तों को बुला बुला कर उनको प्रेम दे रहे। लेकिन उनकी माँ सची माँ भी बाहर खड़ी थी लेकिन सची माँ को बुला ही नहीं रही थी। भक्त लोग ने पूछे प्रभु आपका माँ भी दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है हाथ जोड़ कर दी आप तो दुनिया को प्रेम दे रहे हो अपना मैया को क्यों प्रेम नहीं दे रहे हो। महाप्रभु ने कहा मेरी मैया ने वैष्णव अपराध इसलिए मैया को मैं प्रेम नहीं दूंगा। जब सची मैया को ये बात पता चला ना मैया तो दुखी हो गई यदि जीवन हमें क्यों भगवान ने दिया केवल प्रभु की प्रेम को पाने के लिए। अगर जीवन में प्रभु का प्रेम अगर जीवन में मिल गया समझो हमारा जीवन धन्य हो गया है। अगर जीवन में हमें सब कुछ मिला लेकिन प्रभु का प्रेम नहीं मिला महाप्रभु कहते हैं कृष्ण प्रेम धन बिना दरिद्र जीवन दास करी देह मरे कृष्ण प्रेम धन। इसलिए मेरे को अपना दास बना करके कृष्ण प्रेम प्रदान करो कृष्ण प्रेम के बगैर जीवन दरिद्र है। जगत में सबसे बड़ा धनी कौन है बोले जीवन में जिसको कृष्ण प्रेम मिल गया। बोले जगत में सबसे बड़ा गरीबी कौन है बोले कृष्ण प्रेम से जो वंचित है। इसलिए मीरा कहती है दीन दीन बढ़त सवायो पायो जी में राम रतन धन पायो चोर नहीं ले लूटे नहीं जावे दीन दीन बढ़त सवायो पायो जी में राम रतन धन पायो। सबसे बड़ा जो जीवन में धन है वो कृष्ण प्रेम धन है कृष्ण प्रेम धन। इसलिए मैया सची ने देखा जब जीवन में हमें कृष्ण प्रेम ही नहीं मिलेगा फिर ये जीवन रख कर के क्या लाभ है इससे तो अच्छा है छोड़ दे। तो उन्होंने किसकी माँ है भगवान की माँ साक्षात जसोदा है जसोदाई अभी सची माँ बन करके आई। जब उनको पता चला मेरी अपराध कहाँ पर हो गया अद्वैत का चरण अद्वैत प्रभु का चरण में अपराध हो गया। बोले अपराध कैसे हो गया हैं कैसे अपराध हो गया बोले महाप्रभु को दो भाई थे चैतन्य महाप्रभु छोटे उनकी बड़े भाई विश्वरूप ये विश्वरूप रोज जाता था अद्वैत आचार्य जी का टोल में पढ़ने के लिए। लेकिन अद्वैत आचार्य कौन ये सदाशिव ये स्वयं सदाशिव है ये शंकर जी पंचमुख में जो भगवान की नाम कीर्तन करते हैं वो हर समय जो व्याख्या करते थे जो पढ़ाते थे कृष्ण भक्ति पर को व्याख्या करते थे गीता भागवत पुराण को कृष्ण भक्ति पर को व्याख्या करते थे हैं। अभी कृष्ण कथा सुनते 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 विश्वरूप को पता चला ये संसार झूठा है
इतनी सबको ये दुनिया छोड़ना पड़ेगा और ये जीवन प्रभु इसलिए दिया प्रभु की भजन के लिए। ये विषय भोग को तो हर जीवन में जीव को ये विषय तो मिलता रहता है, खाना पीना सोना बच्चे जन्म देना, कौन सा जीवन में हमने नहीं करके आए। अगर इसी जीवन में आकर उसी में ही अगर डुबा दिया तो तेरे जीवन किस कौन सा काम को। इसलिए अगर इसी जीवन में हमने भगवत प्राप्ति कर लिया तो समझो जीवन में जिस काम के लिए हम आए थे मानव शरीर, ये जीवन हमारे धन्य हो गया। जो उन्होंने अद्वैत आचार्य जी का टोल में उन्होंने इस सब विद्या को उन्होंने पढ़ी, फिर उनके संसार से विरक्ति हो गई और उन्होंने संन्यास लेकर के चले गए। जब चले गए मैया सची बड़ी दुखी हो, हर पिता माता क्या सोचते हैं जब बुढ़ापा बनेंगे तो हमारा बच्चा हमें बुढ़ापा का लठिया बनेंगे, बुढ़ापा में देखेंगे हमें, हर पिता माता यही आशा करते हैं। लेकिन उनका बड़ा बेटा सन्यासी हो गया, अभी मैया दुखी हो गई, बोले केवल अद्वैत तारे द्वैत गरिमा, मतलब है उसको कौन बोलता है अद्वैत, अद्वैत मतलब आ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, जो दो नहीं सबको जो इकट्ठे करके रखता है, सबको इकट्ठे करके रखते हैं। लेकिन ये तो मेरे बच्चे को ऐसे विद्या पढ़ाया और मेरा बेटा मेरे से अलग कर दिया, इसलिए उनको कौन अद्वैत बोलते हो तो द्वैत है। दुखी होकर कितनी सी केवल बात बोल दी, लेकिन महाप्रभु सर्वअंतर्यामी बोलो अद्वैत के चरण में तुम्हारे अपराध, उनको निगलेक्ट पाप तुम्हारी, अतः उनके चरण में तुम्हारी अपराध है। सच्ची मैया फिर गई जा करके अद्वैत के चरण में प्रार्थना की, तुम्हारे चरण में मेरी अपराध हो गया, माफ कर दो, हैं माफ कर दो। सच्ची माँ तो साक्षात माँ यशोदा है, उनका तो बेटा अद्वैत है, उनका बेटा अद्वैत है। बोले माँ की कभी बेटे के चरण में अपराध थोड़ी हो सकता है, बेटा कभी माँ के चरण में अपराध कर सकता है, हैं माँ कभी बेटे के चरण में अपराध, वो माँ है ना उसका हृदय बहुत बड़ा, माँ की हृदय होती है वो अपना बेटा मानती है। इतने में अद्वैत तो एकदम कृष्ण प्रेम में नाचते नाचते अद्वैत आचार्य वहां पर बहस हो गई। जब बहस हो गए सची माँ ने उनका चरण का उन्हें धोल ले लिया, उनको माफी मांगी है। यहाँ पर शिक्षा देते हैं हम जितने बड़े व्यक्ति क्यों नहीं हो, अगर हमें पता चले किसी वैष्णव का चरण में अपराध हो गई हमें जाकर माफी मांगनी चाहिए, ये अभिमान नहीं करनी चाहिए। अरे हम इतने बड़े, हम कैसे सर झुका देंगे, हमारी अपमान तो नहीं हो जाएगी, हम प्रेस्टीज डाउन तो नहीं हो जाएंगे, कभी ऐसे नहीं सोचनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने ये चीज को शिक्षा देने के लिए हैं, वैष्णव अपराध कितने खतरा है, अपना माँ तक भी प्रेम नहीं दिया और जितने बड़े व्यक्ति जाओ जिस वैष्णव का चरण में अपराध हो गई उनसे माफी मांग लो, हैं माफी मांग करके फिर धीरे 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 तुम्हारी भक्ति बढ़ते रहे, ठीक है ना। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमारे मंदिर में जो कीर्तन होता है ना, कीर्तन परिक्रमा होती है, लास्ट में दो श्लोक बोल करके प्रणाम करते। पहला श्लोक है वृंदाई तुलसी देवी प्रिया हरी केशव कृष्ण भक्ति प्रदेवी संध्या, ये एक श्लोक तुलसी के चरण में प्रणाम करते। बोले क्यों, बोले इनकी कृपा से ही भगवान की भक्ति जीवन में मिलेगा और इसी भक्ति से ही भगवान दर्शन हमें, केवल एक कृपा से। लेकिन भक्ति नष्ट भी हो जाती है कहाँ, वैष्णव अपराध हो जाने पर। इसलिए दो बार फिर एक श्लोक बोलते हैं वंशा कल्प दुर्भस्य कृपा सिंधु भैरवच कतिकानां महाबलिभ्यो वैष्णवेभ्यो। फिर इसी श्लोक से सबको वैष्णव को जितने सारे वैष्णव है सबका चरण में प्रणाम करते हैं, हे वैष्णव ठाकुर आप तो वंशा कल्प करो है सारी इच्छा को पूरी करते हो, इतने किचु अपराध नौ कामार सर्व वैष्णव चरण प्रणाम। इसलिए कहते हैं
सबका चरण में प्रणाम करते हैं जैसे हमारी किसी वैष्णव चरण में अपराध नहीं हो जाए। अगर अपराध हो गया तो आप सब कृपा करके माफ हमें माफ कर दो, ठीक है। बिताई गौर श्रीमान बुद्धि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम